तो है गाइस, कैसे आप लोग, स्वागत है आप सभी का नए व्लॉग में। कि एज अ व्लॉगर मैं ट्रेवल करने वाला हूँ रायपुर से भिलाई। छोटा सा जर्नी रखा हूँ क्योंकि फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ, और भाई बस लगभग 4 या 5 साल बाद रायपुर में कहीं बस से ट्रेवल करने वाला हूँ। राइट नाउ गाइज मैं हूँ अभी रायपुर का नया बस स्टैंड रावाभाटा में। तो गाइज अभी आप लोगों को मैं इस नए बस स्टैंड के बारे में थोड़ा सा ओवरऑल रिव्यू दे देता हूँ। जैसे कि चाय नाश्ता का सेंटर ओपन हो चुका है, और भी बहुत सारा सेंटर ओपन हुआ है। जो यहाँ का कौन सा बस आने वाला है, कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगा, उसका भी बोर्ड लगा दिया गया है। तो चलो बोर्ड भी दिखाता हूँ, और वेटिंग हॉल कैसा दिखता है वो दिखाता हूँ, क्योंकि अब पूरी तरीके से चालू हो गया है। सफर में मज़ा आएगा, और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड भी हूँ, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं बस से ट्रेवल कर रहा हूँ लगभग 5-6 साल बाद छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर में। इधर आपको चाय नाश्ते का शॉप मिल जाएगा, और अगर आप लोग कुछ खाना पीना चाहते हो तो इधर आके परचेस कर सकते हो, खा पी सकते हो। और अगर आप लोगों को बस का टिकट लेना है तो आप लोग इस वेटिंग हॉल में आ सकते हो, आप लोगों को यहाँ टिकट मिल जाएगा, आप इधर देख सकते हो। जितने भी यहाँ के टूर ट्रेवल्स वाले एजेंसी है या पार्टनर है, अपना शॉप इधर ही ऑफिस खोल के बैठे तो आप लोग यहाँ से टिकट परचेस कर सकते हो। फिलहाल गाइस आप लोगों को दिखाऊँ कौन सा बस किधर आने वाला है, ये बोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आप लाइव पढ़ सकते हो कौन सा बस आने वाला है। आएगा तो मज़ा, लेकिन धूप भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, और पीछे देख सकते हैं कितने सारे लोग ट्रेवल कर रहे हैं इतनी धूप में भी। चाय नाश्ता करने के लिए एक और छोटा सा स्टोर है इस बस स्टैंड के अपोजिट साइड में, वो भी आप लोग को एक्सप्लोर कराता हूँ। अगर आप लोग स्ट्रीट साइड फूड चाहिए इस बस स्टैंड में तो आप लोग को आगे आना पड़ेगा। तो इधर गए आप लोग देख सकते हो राजू भोजनालय, और आप लोग खाना पीना चाहिए, फूड चाहिए तो आप लोग इस सेक्शन में विजिट कर सकते हो। बाय द वे गाइस आप लोगों को बता दूं, इधर मोची की भी सुविधा अवेलेबल है, ठीक है ना भैया। बिरयानी कैसे प्लेट? देखो भैया 80 का निकाल रहा हूँ। 80 का निकाल रहे हैं। तो गाइस बस में आपको बिरयानी की भी सुविधा है, और ये देख सकते हो जी क्या बिरयानी है ना। इसके साथ और क्या क्या मिलेगा? गरम बिरयानी है। हाँ, चिकन की। चिकन की बढ़िया जी। तो गाइस ये देख सकते हो क्वालिटी भी सही है, और सिंगल पर्सन खाएगा ना तो आराम से पेट भर ही जाएगा। और इसके साथ आ रहा है रायता भी आएगा ना भैया? हाँ, रायता भी बहुत अच्छा रायता आएगा। बढ़िया। इधर गाइस इतना बस है कि भिलाई वाला किधर लगा पता ही नहीं चल रहा है। बहुत सारा बस है रायपुर से, वो कहीं भी ट्रेवल करना हो तो बस आपको यहीं से मिलने वाला है। भिलाई वाला ढूंढता हूँ, धूप वैसे गाइस काफ़ी ज़्यादा हो गया है। तो गाइस फाइनली हमारा बस मिल चुका है भिलाई के लिए, और रायपुर टू भिलाई 40 रुपये सिर्फ किराया है। मैं जा रहा हूँ पावर हाउस, और जो ड्राइवर साहब हैं इनसे बात भी किया, पावर हाउस से तुरंत मुझे बस सीटर मिल जाएगा रायपुर आने के लिए। तो जल्दी से ब्लॉग शूट करके रायपुर फिर वापस भी आ जाऊँगा। तो गाइस आप लोगों का एक अपडेट बता दूँ, रायपुर से आप लोगों को भिलाई जाना हो, दुर्ग जाना हो, तो रायपुर बस स्टैंड से हर 5 मिनट में आपको बस मिलेगी। ऐसा जो यहाँ के बस अभी ड्राइवर जो हैं चाचा, उन्होंने बताया 5 मिनट 10 मिनट में आपको बस मिलती रहेगी। आप लोग आसानी से रायपुर से भिलाई दुर्ग का सफ़र कर सकते हो। मैं सिर्फ अभी भिलाई दुर्ग का ही बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं वहाँ का ट्रेवल कर रहा हूँ। आगे जो भी ट्रेवल करूँगा इस दूसरे शहर का, दूसरे सिटी का, वो आप लोगों को बताते रहूँगा। इसके लिए आप लोग अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और बेल आइकन को भी दबा लो ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। चलो फिलहाल अपनी जर्नी शुरुआत। आप लोगों को बता दूं, रायपुर में बस स्टेशन से जो हमारा बस निकला था फाइनल, वो निकलते निकलते टाइम देख लो 12:30 हो चुका है। अब 12:30 से भिलाई पहुंचने में कितना टाइम लगता है वो भी देखना है, कितना जल्दी पहुंचते हैं कितना लेट पहुंचते हो गाइस आप लोगों में अपडेट करा दूंगा। तो फिलहाल जर्नी का मजा लो वर्चुअली।
ट्रेन का सीधे जाओगे तो चले जाओ आपका तेली बंदा तरफ, इधर जाओगे इधर कलर्स मॉल पड़ेगा, छोटा बिरयानी की साइड पड़ेगा, और अगर उधर जाते हो गाइस लेफ्ट साइड तो ये आपको सीधी तरफ लेके चला जाएगा। तो हम यहीं से रिटर्न यूटर्न मारेंगे और तब जाके निकलेंगे हम गाइस भिलाई के लिए। अगर आप जाते हो तो पटरी नगर से ही बस मिल जाएगा, मैं चलेगा था भाटा का, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था, मुझे यहीं रुक जाना चाहिए था, मुझे बस यहीं से मिल जाता, पर कोई नहीं भाटा का गया और वहाँ से फिर वही बस आपको यहीं लेकर आती है पटरी नगर, और फिर पटरी नगर से होके भिलाई तक जाती है। तो अगर आप तेली बंदा की तरफ से आते हो तो आपको भाटा का जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पटरी नगर पहुँच जाना, यहीं से बस आपको सभी मिल जाएगी भिलाई दुर्ग के रूट को जाने के लिए, क्योंकि वहाँ से जो बस आता है ना भाटा गाँव से, वो रिटर्न आता है यहाँ पटरी नगर तक और यहाँ से यू टर्न लेकर फिर वापस जाता है। ये जो गाइस आप ब्रिज देख रहे हो टाटीबंध चौक है और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, यानी कि बहुत बड़ा यहाँ ना ब्रिज बन रहा है चारों तरफ से, यहाँ मेल होगा, देखो कितना बड़ा बड़ा ब्रिज बन रहा है अभी। जितना भी इधर का रूट का बस आता है ना सभी टाटीबंध चौक से होके ही गुजरते हैं, और ये ब्रिज छोटा पड़ रहा होगा इसलिए इसको भी बड़े अच्छे तरीके से बनाया जा रहा है, टाइम लगेगा बट बनेगा, बनने के बाद रूट पूरा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो यहाँ धूल डस्ट काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच चुका हूं भिलाई पावर हाउस, रायपुर से निकला था 12:30 बजे बस हमारा, और एग्जैक्ट टाइम की बात करूं तो देखो 2 बजने वाले हैं करेक्ट 2 बजे जो हमारा बस है वो भिलाई पावर हाउस हो रहा है। बाय द वे गाइस आप लोगों को दिखा दूं भिलाई का पावर हाउस तो कुछ ऐसा नज़र आता है, और यहाँ पूरा का पूरा गाइस काम चल रहा है, मतलब काइंड ऑफ ये स्क्वायर वाला ब्रिज है मैप में मैं देख रहा था। तो और आप रायपुर से आते हो तो यहीं उतरोगे पावर हाउस के लिए, और पीछे पर आपका रेलवे स्टेशन पावर हाउस का, वहाँ भी हो सकता है मैं विजिट करूँ रेलवे स्टेशन भी आपको दिखाने के लिए। पहले देखता हूँ पेट पूजा कुछ हो जाए क्योंकि भूख ज़्यादा ही लग गया है। तो भाई जैसे आप भिलाई पावर हाउस उतरोगे ना सबको सामने देखने को मिलेगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस सब्जी मार्केट है, आ जाओ सब्जी मार्केट भी घूम लेता हूँ, जब भिलाई आया हूँ तो घूमने में क्या जाता है सब्जी मार्केट। तो ये देखो भिलाई का सब्जी मार्केट कुछ ऐसा गाइस आप लोगों को नजर आएगा। अरे बिल्कुल भैया, अरे कोना को भी का कोना को। तो इधर आपको इधर से आपको कपड़े देखने को मिलेगा राइट साइड, और लेफ्ट में देखते हो इधर तो इधर फल है सब्जी है, और ये देखो पैर वेर भी गाइस आ रहा आ रहा आ रहा। तो गाइस ये आपका छोटा मोटा सब बोल ही सकते हैं फल का है, फल लेकिन ताज़ा ताज़ा है। और एक चीज़ मैं देखा कुछ नहीं है, कैमरा है, कैमरा कहाँ चला रहे हैं, हाँ कैमरा कहाँ क्या कैमरा शूट करने चलाते हैं ना, वीडियो बनाने के चलाते हैं ना, मार्केट शूट कर रहे हैं, हाँ मार्केट शूट कर रहा हूँ ना। तो गाइस यहाँ एक चीज़ मैंने नोटिस किया, आप रायपुर में ब्लॉगिंग करते हो तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं, लेकिन भिलाई में ब्लॉगिंग करोगे ना तो यार इतने सारे लोग इधर पूछ रहे हैं, हर एक शॉप वाला बंदा क्या है कर कह रहा हो। एक्चुअली रायपुर में गाइस ब्लॉगिंग करना आसान है कंपेयर टू भिलाई, क्योंकि यहाँ ऐसा एक भी बंदा आपको नहीं मिलेगा जो आपको ठोके ना कि आप यहाँ कर कह रहे हो, बट फिर भी वी आर डूइंग आवर वर्क और बस यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। ऐसी था छोटा सा था भिलाई का पावर हाउस का सब्जी मार्केट, अब देखता हूँ कोई रेस्टोरेंट अच्छा खासा मैप में चेक करता हूँ, मिलता है तो खाते हैं और उसके बाद रिटर्न गाइस निकलेंगे अपने रायपुर शहर के लिए। जो जो भाई भिलाई से ब्लॉग देख रहे हैं वाला आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भिलाई कभी कोई आता है तो इधर कौन से रेस्टोरेंट में जाना चाहिए जहाँ खाना फ्रेश ताज़ा और कम में बम मिल रहा हो, प्लीज़ भाई लिखना ताकि लोगों को इससे हेल्पफुल होगी, और मैं भी नेक्स्ट टाइम भिलाई आता हूँ तो उस रेस्टोरेंट में बिल्कुल जाऊँगा उसका रिव्यू करूँगा, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। सो गाइस भिलाई पावर हाउस जो बस स्टैंड है वहाँ से जस्ट 100 मीटर आगे आओगे तो आप आ जाओगे भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन। तो यहाँ से गाइस इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं, और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा होगा भिलाई पावर हाउस रेलवे स्टेशन टू रायपुर रेलवे स्टेशन, मतलब कि यहाँ से मैं घर जा रहा हूँ तो उसका एक ब्लॉग बनेगा, मतलब मैं बनाऊँगा, और ये जो ब्लॉग बनाऊँगा इस ट्रेन का बना रहा हूँ। तो ये ब्लॉग कहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट ब्लॉग के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आई होप कि आप लोग ये वीडियो पसंद आया होगा। रायपुर टू भिलाई बस
टॉर का। तो मिलते हैं गाइस आप लोगों से फाइनल नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।